की जरूरत नहीं है, हमारे ही लोग दुश्मन हैं, और सबसे ज्यादा दुश्मन तो हमारे रिश्तेदारों में निकलते हैं। भाई भाई की नहीं जमती है, भाई बहन से नहीं जमती है, मामू की भांजे से नहीं जमती है, भांजे की मामू से नहीं जमती है, कि रिश्तेदारों में हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो कलमा पढ़ने वाला है, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, वो रोजा रखता है, मैं रोजा रखता हूँ, उसका अल्लाह एक मेरा अल्लाह है, उसकी कुरान एक मेरी कुरान है, उसका नबी एक मेरा नबी है, लेकिन मैं उससे हसद, मैं उससे जलन, क्या ये दुरुस्त हो सकता है? एक मेयार में दो तलवार हो सकते हैं? एक मेयार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसी मेयार में उनके फॉलोअर से नफरत, इज इट पॉसिबल? डू यू लाइक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? डू यू ऑनर हिम? डू यू लव हिम? इफ यू लव प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू लाइक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू ऑनर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, if you admire prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must admire, you must love, you must like the followers of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam as well. unke followers ko bhi aap like karna, unke followers ko bhi respect karna, tabhi team banti hai. team aise nahi banti hai. aap sallallahu alaihi wasallam ko koi team ki zarurat nahi thi, allah ne aise gazab ke power se nawaza tha, lekin team banayi nahi, khulafa rashidin banayi बनाई नहीं, बल्कि बोल कर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी होते तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्हें होते, बने वो नबी, बने नहीं बने ना, क्यों बोले उसको समझो, क्यों बोले? वो इसलिए बोले कि नबी के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें उनको आप अमीर बनाना, अपना लीडर बनाना, टीम बनाना, मिलकर काम करना, वी आर लीडरलेस कम्युनिटी टुडे, हमारे पास कोई लीडर नहीं है आज, हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है आज, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, कोई डायरेक्शन नहीं, बस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यही गोल है, बस बच्चों को पढ़ा दो, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई लीडर हमारा नहीं, कोई रोल मॉडल हमारा नहीं। ये संभलने का वक्त है, आने वाले दिन बड़े खतरनाक दिन है, क्योंकि जिस तरह से मैं फोन रिसीव करता हूँ, शायद ही आप लोग जानते हैं, वो हिंदुस्तान के कैसे कोने कोने से माएं फोन कर कर जो रोते हैं ना, अगर मैं सुनाऊं आपको, उनके आंसू रोएंगे आप लोग। लेकिन मुझे डर है उस दिन का जब आपके बच्चे होंगे, उस जनरेशन के छोटे बच्चे कैसे होंगे, फिर आपकी शादियां हो जाएंगी, आपको बच्चे होंगे, आप तो वहीं स्पॉट पे हार्ट अटैक से मर जाएंगे, फिर ऐसे गुनाहों में मुलविस रहेंगे बच्चे, अगर आप लोग नहीं संभले, आप लोग उनके रोल मॉडल्स नहीं बने। हमें रोल मॉडल्स बनना है, झूठ हमें कतई नहीं बोलना है, गाली हमें कतई नहीं देना है। एक साफ प्लेट पर कुत्ता आकर पेशाब कर दिया आपके सामने, और आपने उसको पानी से साफ कर दिया, फिर उसी में बिरयानी डाला, आप खा सकते हो? आपका दिल गवारा नहीं करेगा, आप भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन आप खाना नहीं खाएंगे। उसी तरह जिस जुबान से आप अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते हो, उस जुबान पर आप गाली को बिठा सकते हो? एक जुबान पर अल्लाह, एक जुबान पर गाली कैसे फिट हो सकती, बताइए मुझे। इस एंगल से अगर सोचे तो समझ में आ जाएगा आपको, वाकई में मुझे गाली नहीं देना है, क्योंकि यह जुबान अल्लाह बोलने के लिए है, यह जुबान जो है दुरूद पढ़ने के लिए है, यह जुबान सच बोलने के लिए है, यह जुबान नरमी से गुफ्तगू करने के लिए है। यहाँ आप लोग सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए नहीं आए हैं, आप लोग अपनी पर्सनैलिटी, अपने थिंकिंग को डेवलप करने आए हैं, लाइफ में एक डायरेक्शन को लेने आए हैं, आप लोग एक गोल बनाने आप लोग आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली द यंग बॉयज़ एंड